चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं पीएमओ कार्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। उसको एक नीति का रूप देना, व्यवस्था का रूप देना, इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप बनाना, उसको लागू करवाना, मॉनिटरिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। वो टीम के बिना संभव नहीं होता है, और इसलिए 5 साल तक जिस इरादे से 2014 में चले थे, 2019 तक हमने हमारे मार्ग में जरा भी डाइल्यूजन नहीं आने दिया, डाइवर्जन नहीं आने दिया, और डेडिकेशन हम बढ़ाते गए, और उसी का परिणाम है कि हम अपेक्षाओं को पूरा करते रहे। उसी प्रकार से घर में भी एक स्वभाव रहता है कि 3 बच्चे हो और एक आध जरा अच्छे ढंग से कर लेता है तो सब कोई उसको ये करो, 2 को भाई अब उसको कहने से क्या मतलब है, जो करता है इस पर बहुत ज्यादा आता है। तो लंबे अरसे के बाद देश को लगा यार ये कुछ कर सकते हैं, चलो ट्राई करें इनके पास, और उसके कारण वर्कलोड भी बढ़ता गया। शायद पहले चिट्ठियां आती है उसको करा बदले 100 गुना ज्यादा चिट्ठियां आने लग गई। पहले लोग चाहते थे महीने में होगा तो चलेगा, लेकिन अब चाहते नहीं, नहीं जी 30 मिनट में होना चाहिए, 30 दिन में क्यों, अब तो आप बैठे हैं। और इसके कारण भी प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने का कारण विश्वास था। अविश्वास के कारण प्रेशर बढ़ता है, उसकी अनुभूति अलग होती है। विश्वास के कारण जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने आप एक एनर्जी बन जाता है। हम लोगों ने अनुभव किया है कि देश में जो हमसे अपेक्षाओं का प्रेशर बढ़ा, उसने बोझ नहीं बना, वो एक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। आपने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा कि आप भी पहले की तुलना में जिस प्रकार से काम करते हुए एक नई ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा। वो ऊर्जा आई कहां से? कभी हमारे यहां शायद अलजिब्रा में पढ़ाते थे a+b ((2)). आप उसको जब खोलते थे तो कहते थे a² + 2ab + b². ये 2ab कहां से आया? a² + 2ab + b² ये 2ab कहां से आया? ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी, फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी। विश्वास ने एक नया रूप धारण कर दिया, और शायद आप में से जो लोग ऐसी चीजों को एनालिसिस करने की आदत रखते होंगे, वे अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना दें तो ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और मैंने अनुभव किया है कि मेरी अपेक्षा से ज्यादा आप सबने परिणाम दिया है, समय की मेरी कल्पना से पहले दिया है, और सुचारू ढंग से हो, सुचिता से हो, इन दोनों पिलर को आपने बराबर पकड़ के रखा है, और इसलिए ये पूरी टीम और जो यहां नहीं होंगे, आपके साथ काम करने वाले और भी होंगे, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इसके साथ साथ ये काम कर कैसे पाया, इसलिए नहीं कि डगर डगर पे कोई लीडरशिप थी जो आपको लीड करती थी, आप काम करवाती थी, कभी भी टीम स्पिरिट उससे आता नहीं है। अभी आपने पीएमओ ऑफिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो कि पीएमओ स्टाफ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली जीत पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की।